कामाख्या देवी मंदिर भारत में स्थित अद्भुत और चमत्कारिक मंदिरों की श्रेणी में आता है। गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर के हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानकर आप सभी इस विश्व विख्यात मंदिर में स्थित कामाख्या देवी का दर्शन अवश्य करना चाहेंगे। दोस्तों, तंत्र साधना और अघोरियों का गढ़ माने जाने वाले कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ और इस्माइल जोगी आदि जितने भी महान तांत्रिक साधक रहे हैं, वे सभी इस स्थान पर साधना किया करते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की थी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पिता द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अग्नि में कूदकर माँ सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहाँ माँ सती की योनि और गर्भ आकर गिरा था, आज उसी स्थान को कामाख्या देवी मंदिर कहते हैं। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि एक बार काम के देवता यानी कि कामदेव ने अपना पुरुष तत्व खो दिया था, तब इस स्थान पर रखे माँ सती के गर्भ और योनि की सहायता से उन्हें अपना पुरुष तत्व हासिल हुआ था। एक और कथा यह भी कहती है कि इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जानते हैं कि भारत में स्त्रियों को मासिक धर्म के समय उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उस समय स्त्री मंदिर में प्रवेश से वर्जित रह जाती है। पर कामाख्या देवी मंदिर के मामले में ऐसा नहीं होता। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन होता है, जिसमें देश भर के तांत्रिक अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची मेला के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं और इन 3 दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाहित होता है। 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं, फिर दोबारा बहुत धूमधाम के साथ पूजा अर्चना करके माँ कामाख्या देवी के पट के द्वार खोले जाते हैं। अंबुबाची मेले को कामरूप का कुंड भी कहा जाता है। हर साल अंबुबाची मेले के समय कामाख्या मंदिर के पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। तंत्र साधना में रजस्वला स्त्री और उसके रक्त का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह पर्व कामाख्या देवी के रजस्वला का यह समय तांत्रिक और अघोरियों के लिए सुनहला काल होता है। कहते हैं कि अंबुवाची पर्व भगवती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 सालों में एक बार, द्वापर में 12 सालों में एक बार, त्रेतायुग में 7 वर्षों में एक बार तथा कली काल यानी कि कलयुग में प्रत्येक वर्ष यानी कि जून के माह में एक बार मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग होता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन तक रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो वह वस्त्र लाल रंग से भीगा हुआ होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं और इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इस जगह पर एक समतल चट्टान के बीच में एक योनि के रूप में विराजमान है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी शक्तिशाली और प्रभावी माना जाता है। माना जाता है कि इस जल के नियमित सेवन से हर बीमारी का उपचार संभव है। माँ कामाख्या के मुख्य मंदिर के बगल में स्थित एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजमान मिलेगी। इस मंदिर परिसर में आपको कई देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाएगी। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर एक मुराद पूरी होती है। यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है। भैंस और बकरी की बलि तो आम है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती। इसके साथ ही मान्यता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजा और भंडारा करा सकते हैं। दोस्तों, ये मंदिर तंत्र साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ इस मंदिर में अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर अपनी समस्या से निजात पा सकता है। इस मंदिर के पास में स्थित सीढ़ियाँ आपको अधूरी दिखेंगी। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि नारका नामक एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उनके सामने एक शर्त रख दी। देवी कामाख्या ने नारका से कहा कि यदि वह एक रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना पाएगा तब वह उनसे विवाह कर लेंगी।
नारका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि दैत्य नारका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे सुबह पहले ही बांग देने को कहा। तब नारका को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, परंतु जब उसे हकीकत पता चली तब वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकराता नाम दिया जाता है और इसीलिए आज भी इस मंदिर की सीढ़ियां अधूरी हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर तीन हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा काफी बड़ा है जिसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता, वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि देवी कामाख्या के रजस्वला होने की पूरी बात आस्था से जुड़ी हुई है। आस्था से दूर हटकर बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि पर्व के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में प्रचुर मात्रा में सिंदूर डाला जाता है जिसकी वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि यह नदी बेजुबान जानवर की बलि के कारण उनके रक्त से लाल हो जाती है। कारण चाहे कुछ भी हो, पर यहाँ आने वाले और कामाख्या मंदिर में आस्था रखने वाले भक्तों की मनोकामना माँ जरूर पूरी करती है और सभी भक्तों को संकट से दूर रखती है। दोस्तों, माँ कामाख्या के रजस्वला काल के दौरान की गई आराधना में हम कहीं ना कहीं स्त्री तत्व की आराधना करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात एक सामान्य स्त्री की आती है तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से क्यों बदल जाता है? तब हम क्यों किसी स्त्री को जननी के रूप में ना देखकर सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखते हैं? हमारी दृष्टि में कामाख्या देवी का यह मंदिर और उनकी योनि के स्वरूप की पूजा कहीं न कहीं हमें यह संदेश देती है कि एक जननी जो सृजन करती है उसमें विनाश की भी शक्ति होती है, अतः उनके प्रति सम्मान हमारे मानसिकता में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हर स्त्री के प्रति हमारा नजरिया उनके प्रति सम्मान से उठेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।